चलिए मैं आपको टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूँ, और टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग में हम लोग रिकॉर्ड्स पढ़ रहे हैं, और रिकॉर्ड्स के अंतर्गत मैंने आपको एसेट्स पढ़ा दिया था, लाइबिलिटीज पढ़ा दिया था, इक्विटी पढ़ा दिया था, एक्सपेंसेस पढ़ा दिया था, रेवेन्यू पढ़ा दिया था, स्टॉक पढ़ा दिया था, कैपिटल पढ़ा दिया था, और ड्रॉइंग पढ़ा दिया था। अब जो हमारा है वो है जर्नल और लेजर। तो चलिए जर्नल और लेजर को मैं डिटेल में तो आगे समझूंगा, मैं डिटेल में और अच्छे से बहुत अच्छे से आगे बताऊंगा, अभी सिर्फ आप शॉर्ट में समझिए कि जर्नल क्या होता है और लेजर क्या होता है। देखिए हमारा जितना भी दैनिक डेली का जो हिसाब किताब होता है, डेली जैसे सपोज करिए आपने किससे कितना माल खरीदा, किसको कितना माल बेचा, किसने आपको कितने पैसे दिए, आपने किसको कितने पैसे दिए, कितना आपका दूसरे के यहाँ उधार है, कितना आपने दूसरे से उधार लिया, इन सारे चीज़ों को याद रखने के लिए जो रफ पे डेली लिखा जाता है उसे बोलते हैं जर्नल। लेकिन ये जो जर्नल हुआ ये हो गया रफ पेपर, लेकिन इसी चीज को पूरे डिटेल में अच्छे से समझ समझ कर और साफ साफ शब्दों में जो लिखा जाता है उसे बोलते हैं लेजर यानी खाता बही। जैसे देखिए सपोज करिए कि एक क्वेश्चन है कि राम से 10,000 का माल खरीदा, तो इसका जो एंट्री बनेगा याद रखने के लिए कि चलो भाई परचेज अकाउंट डी आर टू राम्स अकाउंट, तो परचेज अकाउंट डी आर टू राम्स अकाउंट जो एंट्री बनेगा ये जो हुआ ये हो गया केवल जर्नल, लेकिन इसका जो फेयर में एंट्री बनेगा उसमें लेजर ग्रुप मोड सारे चीजों के साथ उसको पोस्टिंग किया जाएगा। तो इन सारे चीजों को मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा, अभी आपको बस इतना समझना है कि टैली में जो रफ में जो सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है वो जर्नल में किया जाता है, और पूरे अच्छे तरीके से सजा सजा कर उसको कैटेगराइज करके बांट करके जो किया जाता है उसे हम लोग लेजर में करते हैं, और इन सारे चीजों को नेक्स्ट आगे मैं इस दोनों चीजों को क्लियर करूंगा।